आशा राधी जी और आपका नाम मुकेश विश्वकर्मा जी जो कि सुर्खी से आए हुए हैं आज इनकी जिला सागर, इनकी पेशी थी आज। और जब संदर्भ में हमको जानकारी भोपाल से लगी एवं मैडम किरण ने यहाँ जानकारी दी कि आज इनका पेशी है और वकील साहब ओपी विश्वकर्मा जी को फिर हम लोगों ने साथ में लेके यहाँ पे इनकी मदद के लिए आए, इनसे पूरा पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान ये आज तक इनको समाज ने जैसे खुल के समर्थन होना चाहिए, उनको समर्थन नहीं मिला। इनका केस लगभग जो कि विगत 2 महीने पहले इनके बताने अनुसार पूरा ठंडा हो गया था, पुलिस ने इस मामले को पूरा ठंडा कर दिया था, सीएम हेल्पलाइन में इन्होंने कंप्लेंट डाला था, तो इनके ऊपर दबाव दे के पुलिस ने इनसे ये केस वापस दिलवा दिया था। इसके बाद हमारे भोपाल से विनोद विश्वकर्मा जी ने इस केस को जो कि पुलिस के उसमें विभाग में हैंगे और उन्होंने इस केस को ओपन किया है और आज उन्होंने हम लोग को पूरी जानकारी दी है, विस्तृत जानकारी बताते कि आज उनका पेशी है, आप लोग वहाँ पहुँचिए और हमारे समाज के जो वकील जो कर रहे हैं वो कहाँ तक केस को आगे ले गए हैं, या यदि उनसे नहीं हो पा रहा है या किसी प्रकार से हो तो अपने साथ में वकील ओपी जी को भी साथ में इसमें संलग्न कर दें ताकि अपन को सबको समाज को पूरी जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा हमारे भोपाल में विश्वकर्मा समाज के द्वारा कल प्रेस वार्ता है और उसके अलावा ज्ञापन डीजी साहब को ज्ञापन देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशा रानी विश्वकर्मा है, मैं सुर्खी मक्का खेड़े की रहने वाली है। मेरी बेटी मोना हूँ सोनू पटेल घर से ले गया है सुर्खी थाने में। मैंने सुर्खी थाने में FIR दर्ज करवाई मगर 3 महीना होने को जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने 181 को कंप्लेन भी किया मगर पुलिस वालों ने हमको थाने में बुलाकर 10 बजे रात को धमकाने देकर कंप्लेन भी वापस करवा दी है। हमने सागर में 3 जगह आवेदन दे चुके हैं। मैंने DFC साहब को आवेदन दिया है, FC साहब को और मंत्री गोविंद सिंह को आवेदन दिया है मगर अभी जो कुछ सुनाई नहीं हो रही है। मैंने हाई कोर्ट में आवेदन लगाया है तो पुलिस वाले ऊखों भी बोल रहे हैं कि आप वो भी कैंसिल करवा दो जब आपकी कार्रवाई करेंगे। मेरी बेटी को घर से ले जाने में सोनू पटेल के 2-3 लड़कों ने साथ दिया है घर से ले जाने में। सचिन नामदेव ने साथ दिया है और परसोत्तम यादव ने साथ दिया है पूरा। पुलिस वालों ने हाई कोर्ट में झूठे बयान दे दिए हैं। मेरे घर पे कुछ नहीं, किसी से नहीं कुए सब भी बयान नहीं लाए मगर कोर्ट में उल्टे सीधे सबके बयान लिख के दे दिए हैं। विश्वकर्मा सेवा समिति 12 को मेरी हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरी मोना बेटी को ढूंढने में आप लोगों की मदद चाहिए। मैं ग्राम सुर्खी जिला सागर से बोल रही हूँ। श्रीमान शिवराज जी चौहान आपसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी बच्ची को 3 महीना हो गए हैं, अभी लोग कुछ पता नहीं है मेरी बच्ची का। यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। आप तो समझ सकते हैं एक माँ की पीड़ा क्या होती है। का एक लड़का सोनू पटेल नाम का मेरी बच्ची को घर से उठा ले गया है, अभी मेरी बच्ची नाबालक है। RFC ऑफिस में आवेदन दिए है मैंने, 2 बार मैंने गोविंद सिंह को आवेदन दिए हैं। इस मामले में कंचन का भी हाथ है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए।